इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक ही उड़ान में एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने का कीर्तिमान रचा है। सुबह 9:25 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी C-34 को लॉन्च किया गया। सपा में कौमी एकता दल के विलय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विलय के बाद सीएम अखिलेश यादव खफा हैं और विलय की भूमिका निभाने वाले मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया। विलय के बाद सपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। इस बीच बर्खास्त किए जाने के बाद बलराम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को अपना जीवन करार दिया। इन्हें उन्होंने इस दौरान मीडिया के सामने ही रो पड़े। रोते बलराम यादव ने कहा कि पार्टी उनकी मां है, अब मुलायम उनके पिता की तरह हैं। एनएसजी भारत की सदस्यता के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सोल में होने वाली मीटिंग के परिणाम स्पष्ट हैं। भारत एनएसजी का सदस्य नहीं बनेगा, हमें पहले ही तैयारी करनी चाहिए थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम आ गए। सुब्रमण्यम ने अरविंद पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद प्रियंका वाड्रा के पति एक बार फिर मुश्किल में हैं। ईडी ने बीकानेर में एक भूमि सौदे के कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी फॉर्म को नोटिस जारी किया है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आसाराम की 2,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने जांच के बाद यह बात कही है। प्रदेश में चल रहे मंत्री समूहों के जिलेवार दौर में सामने आए विवाद की गूंज कल से शुरू होने वाली प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक सुनाई देगी। कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और संगठन से जुड़े कई प्रस्ताव पारित होंगे। भीलवाड़ा में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल मीडिया पर भड़क गईं। आशा सहयोगिनियों के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। हनुमानगढ़ में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप उसके सगे भाई, ममेरे भाई और चाचा के अलावा एक शख्स पर लगा है। तैनी बच्ची ने जब पड़ोसी को यह बात बताई तो पड़ोसी ने भी उसके साथ रेप किया। फतेहपुर शेखावटी के सदर थाना क्षेत्र के सिकिसर गांव में जलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मृतक ने खुद को आग लगा ली। महिला लंबे समय से बीमार थी। बूंदी कुंभर गांव के पास पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार एक हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई है। धौलपुर के सेपो इलाके के तसीमो गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी युवक पर शराब के साथ जहर देकर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। फतेहपुर शेखावटी के हरसावा गांव में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। प्रिया होटल पर काम करने वाले नाबालिग को होटल मालिक ने जमकर पीटा है। दिग पुलिस ने इकलेरा भिलम का कल्याणपुरा परमदरा से 39 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे दो देसी कट्टे, 12 बोर के दो दर्जन कारतूस, 9 बाइक, एक बोलेरो और एक कंप्यूटर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बरामद की है। झुंझुनू में एक सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश सरकारी दफ्तर बनी कैंटीन में बाल मजदूरी करते एक को पकड़ा। ओम प्रकाश से कोतवाली लेकर पहुंचे और बाल मजदूर को पुलिस के हवाले किया। रायसिंहनगर के मुकलावा गांव के ग्राम सेवक को ड्यूटी से लगातार गायब रहने पर विकास अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। विकास अधिकारी ने बताया ग्राम सेवक 16 फरवरी से ड्यूटी पर नहीं आ रहा। प्रदेश में बगैर ISI मार्का वाला हेलमेट पहनने वालों के चालान और चालकों और बिना गुणवत्ता वाले हेलमेट के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों का चालान किया जा रहा है। जयपुर के बगरू में सेज पुनर्वास योजना के डी ब्लॉक में 40 परिवारों को आज तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। लोग JDA और डिस्कॉम के चक्कर लगाकर परेशान है। चित्तौड़गढ़ जिला 25 सितंबर तक 50% खुले में शौच मुक्त और साल के अंत तक पूरा जिला शौच मुक्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कोशिश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ को वर्ल्ड बैंक के 3 सदस्य टीम का साथ मिला है। चौमू के गोविंदगढ़ पंचायत समिति ग्राम पंचायत मुरीजा में न्याय के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नामांतरण, विभाजन, खाता दुरुस्तीकरण, सीमा ज्ञान आवेदन, राजस्व नकल समेत कई प्रकरणों का निस्तांतरण किया गया। बैर में हनुमान मंदिर पर नव कुंडीय श्रीराम महायज्ञ और संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन किया गया। इससे पहले बैंड बाजे के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज होगा। दोनों टीमें सीरीज में एक एक मैच जीत चुकी है। आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। जयमर्जा कहना है कि उनके लिए ना है कि उनके लिए लंबे चलने वाले सीरियल्स में काम करना संभव नहीं है, लेकिन वो सीमित कड़ियों वाले सीरियल में काम करने की इच्छुक है। लंबे समय बाद सनी लियोनी अपने पुराने रंग में लौट आई है। सनी ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें उनके बालों का रंग काला नजर आ रहा है, रही उनका ओरिजिनल कलर है।